हाय फ्रेंड, मैं मोहित, इंडिया बायनोकुलर शॉप, इंडिया टेलीस्कोप शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ। आज हमारे पास 3 बायनोकुलर्स हैं, इनके केसेस भी पीछे पड़े हुए हैं, तो इन पे एक ब्रीफ लेंगे कौन सा बायनोकुलर बढ़िया है मेरे लिए या वैल्यू फॉर मनी है। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर बेस जो है अभी आज की डेट में हमारा 1000 क्रॉस कर गया है पिछले कुछ दिनों में, थैंक्स टू योर लव। और काफ़ी लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया, कईयों ने ऑर्डर भी दिए, कईयों ने अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व की। तो आई होप मैंने आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व की और क्वेश्चंस आपके आंसर किए। कुछ एक आध अगर डिले हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप मुझे परस्यू, आप मुझे लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर करूँगा। तो आज की जो वीडियो है, शुरू करने से पहले एक और बात आपसे कर लूँ कि आपको पता है कि रेड जोन में भी अब डिलीवरीज हो रही हैं, तो बहुत से लोगों को हमने रेड जोन में भी डिलीवरी भेजी है। तो अगर आपका एरिया रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में नहीं है, तो हम डिलीवरी कर सकते हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में तो ऑलरेडी डिलीवरीज थी, लेकिन रेड जोन में भी हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। आज ये 3 बायनोकुलर्स हैं हमारे पास। इसमें निकॉन का 8x42 एक्लॉन सीरीज़ है, A211, कॉमेट का 8x42 है और एक इम्पोर्टेड बायनोकुलर है मेरे पास 8x40। 8x40, 8x42 और 8x42 3 बायनोकुलर्स हैं। इनको मैंने टेस्ट किया बाहर जाके, मैंने कहा इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। तीनों बायनोकुलर्स अगर ओवरऑल मैं बात करूं परफॉर्मेंस में, तो तीनों मोर और लेस सेम थे। अमूमन मैं, अगर आपने मेरे पास में बायनोकुलर्स देखे हैं, तो निकॉन, बुशनल या जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनकी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनमें फ़ीचर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज कुछ डिफरेंट चीज़ें, बातें निकल के सामने आई है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले बायनोकुलर की मैं बात करूँ, मेरे पास ये कॉमेट का 8x42 है। इसमें मुझे अच्छी बात यह लगी कि इसमें कैप साथ में लगी हुई है। जहाँ तक ग्रिप का सवाल है, ग्रिप बहुत अच्छी है और आई रिलीफ बहुत अच्छा है। अगर आप लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोल डाउन और रोल अप है और आई रिलीफ बहुत अच्छा लगा मुझे। जहाँ तक प्रिज्म्स की बात करूँ, तो ये बैक 4 प्रिज्म्स हैं और मल्टी कोटेड लेंसेज हैं। आप देख रहे होंगे ग्रीनिश टिंट इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरफ भी ब्लूइश है। बैक 4 प्रिज्म है, बिल्कुल गोल्ड राउंड में डिस्क हैं, 8x42 है। करीब 5.3 इसका एग्जिट प्यूबल है और मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस का सबसे कम था, जो मैंने टेस्ट किया वो करीब 3 मीटर के आसपास था, तो उस लिहाज से मुझे ये बायनोकुलर काफ़ी अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डस्ट कैप्स साथ में आती हैं, सभी की आती हैं। और दूसरी बात, ये इसका बैग है। बैग के मामले में अगर मैं बात करूं, तो बैग, तीनों का बैग अगर मैंने कंपेयर किया तो मेरे ख्याल से ये 3rd नंबर पे होगा। लेकिन और जो हमारे फीचर्स हैं, जैसे एज टू एज क्लैरिटी, आई रिलीफ, कंफर्टेबल व्यूइंग, शार्प और क्रिस्प पिक्चर, उसमें ये बायनोकुलर बहुत बढ़िया था। दूसरी बात, इसकी जो प्राइस है, बहुत से लोग मेरे से प्राइस भी जानना चाहते हैं, तो इसकी जो प्राइस है फ़िलहाल वो 4000 के आसपास है। तो अगर आपको चाहिए मैं शिप करता हूँ सेम डे। ये इसके स्ट्रैप्स हैं, ये इसका स्ट्रैप है, मोटा सा स्ट्रैप है जो इसके साथ आएगा, और ये इसके कैप्स हैं ऊपर की आईपीसीस की। दूसरे बायनोकुलर की बात करूँ, तो ये एक पोरो प्रिज्म में बायनोकुलर है, इसकी भी कैप साथ में लगी हुई आती हैं। फोकसिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी स्मूथ थी। मुझे एक अच्छी बात इस बायनोकुलर में लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तीनों बायनोकुलर्स मैंने हैंड होल्ड किए, निकॉन का और कॉमेट का और ये वाला इम्पोर्टेड, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट लगी। हो सकता है दिखने में शायद इतना अपीलिंग ना हो कहीं को, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बढ़िया है। पोरो प्रिज्म में है ये, और इसकी भी जो कोटिंग्स हैं वो मल्टी कोटिंग है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लूइश टिंट है। एक और मज़ेदार बात मुझे इस बायनोकुलर में लगी कि इसमें इंडिविजुअल आई फोकस भी है। हालांकि बीच में ये डायप्टर दिया हुआ है जो स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, लेकिन फिर भी राइट और लेफ्ट आई में दोनों में एक इंडिविजुअल बारीक आई फोकसिंग का अलग से दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों आईज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैप साथ में लगी लगाई हैं। और इसकी एक मुझे बात जो सबसे अच्छी इम्प्रेस की, वो ये बैग, ये बड़ा सॉलिड केस है। और तीनों बैग्स में मुझे ये सबसे ज़्यादा
यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सॉलिड लगा, एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड या एक स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बैग, हालांकि शायद इतना सुंदर ना हो लेकिन ड्यूरेबिलिटी और यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा बैग मुझे लगा। प्राइस इसकी बात करें तो ये 3200 का आपको ऑल ओवर इंडिया शिप होगा। अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था इस पेनोक्लस से, हालांकि इसमें VK7 प्रिज्म यूज़ होते हैं लेकिन मैं काफ़ी इम्प्रेस था। और व्यूज़ जो मैंने चेक किए एज टू एज काफ़ी अच्छे थे, एजेस पे व्यूज़ नॉर्मली बिगड़ जाते हैं लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा क्लियर एकदम आइज का एक आई रिलीफ था, बड़ा क्लियर व्यूज़ आता है। और मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इस केस में जो है वो मेरे ख्याल 7 या 8 मीटर मैंने टेस्ट किया, उससे पहले फोकस नहीं हो रहा था, तो मिनिमम 7-8 है और बियॉन्ड उसके बहुत प्यार से ये फोकस होता है। जहाँ तक वेट की बात करूँ तो ये वाला काफ़ी लाइट वेट है, कॉमेट का मेरे ख्याल रफली 600 ग्राम के आसपास होगा, ये वाला शायद 625 630 ग्राम के आसपास है। और फाइनली हम निकॉन पे जाएं जो काफ़ी लोगों का फेवरेट ब्रांड है बायनॉक्लर्स की, जहाँ तक बात करें निकॉन में सबसे पहले जो इसकी ये कैप्स हैं, ये डस्ट कैप्स और ये ऊपर की जो कैप है ये आउटस्टैंडिंग थी, मतलब तीनों में अगर चेक करें है तो बड़ी माइनर सी बात लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग थी। दूसरा इसका जो स्ट्रैप है वो इन तीनों में सबसे बेस्ट था। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से निकॉन बिल्ड क्वालिटी ठीक है लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी, जो 3200 रुपये का बायनॉक्लर है ये मुझे ज़्यादा मजबूत लगा निकॉन से, हालांकि निकॉन का काफ़ी मुलायम एकदम रबराइज्ड फील है, टच आइटम स्टिक हो जाती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बीच वाला बायनॉक्लर काफ़ी मुझे मजबूत लगा। और कॉमेट वाला इक्वली निकॉन के मुकाबले स्ट्रेंथ है इसकी जो बॉडी है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिकली रबराइज्ड है तो एक अच्छी सी मतलब एक फील आती है, एक थोड़ी कंफर्टेबल फील सी आती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में डेफिनेटली ये नंबर वन था। दूसरी बात इसमें भी आई रिलीफ अच्छा है, इसके भी आई कप्स जो हैं रोल अप रोल डाउन हो जाते हैं तो स्पेक्स वेयरर्स हैं उनके लिए आई रिलीफ अच्छा है, मेरे ख्याल से इसका 12 mm के करीब है, कॉमेट का ज़्यादा है 15 mm है, तो निकॉन का थोड़ा कम था 12 mm, इसका भी 12 mm था। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की बात करें तो निकॉन 5 mm करता है लेकिन आपको पता है निकॉन के सारे बायनॉक्युलर्स बैकफोर प्रिज्म यूज़ करते हैं। और इसका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा था 755 ग्राम, तो यहाँ निकॉन थोड़ा पिछड़ता है। अगर हमें थोड़े लाइट वेट बायनॉक्युलर चाहिए तो इन तीनों में सबसे लाइट वेट आपका कॉमेट है, सेकेंड नंबर पर ये है और थर्ड नंबर पर निकॉन है। और इसके अलावा बैकफोर प्रिज्म है और मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, तीनों बायनॉक्युलर्स में इनफैक्ट मल्टी कोटेड लेंसेज हैं और बैकफोर निकॉन में भी हैं और कॉमेट में भी हैं लेकिन इसमें VK7 है। अगर मैं बैग की बात करूं तो बैग निकॉन का ये वाला बैग अच्छा, एक प्रीमियम फील आती है, अच्छा कुशन वाला बैग है, सेकेंड नंबर पर मैं इसको रेट करूँगा आफ्टर दिस ये जो बीच में इम्पोर्टेड वाला बायनॉक्युलर है। ओवरऑल जब मैंने इसे व्यूइंग की फोकसिंग वगैरह अच्छी स्मूथ थी लेकिन कॉमेट से ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, कॉमेट इससे बेटर था, फोकस का जो स्मूथनेस है उसमें कॉमेट इससे बेटर था। राइट आई फोकस ठीक है, दोनों का एक जैसा परफॉर्मेंस है। पिक्चर क्लैरिटी एज टू एज शार्पनेस और ब्राइटनेस की अगर इमेज की बात करूँ तो वहाँ पे निकॉन थोड़ी सी ब्राइट इमेज दे रहा है इन दोनों बायनॉक्युलर्स के मुकाबले, हल्की सी, हालांकि बाकी भी इमेज बहुत अच्छी क्लियर एकदम देते हैं, बढ़िया इमेज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ब्राइटनेस की जहां तक बात करूं तो निकॉन की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी दोनों बायनॉक्युलर्स के मुकाबले। लेकिन निकॉन की प्राइसिंग की बात करें तो ये 5950 का है, ऑल ओवर आपको इंडिया डिलीवर होता है, तो जो 7-8 पैरामीटर्स हैं प्राइसिंग उसमें निकॉन सबसे महंगा 5950, कॉमेट आपको 4000 और इम्पोर्टेड 3200 का। अगर फोकसिंग की बात करूं तो कॉमेट की फोकसिंग बेटर थी, अगर बिल्ट बॉडी की बात करूं तो मुझे इसकी सबसे बेटर लगी, अगर मैं कैरी बैग की बात करूं तो नंबर वन मुझे ये इम्पोर्टेड का लगा, अगर मैं क्लैरिटी ब्राइटनेस की पिक्चर की बात करूं तो निकॉन ब्राइट था सब में। अगर ग्रिप की बात करूँ और एक अच्छी वो कंफर्टेबल फील करूँ तो मुझे निकॉन का थोड़ा बेटर लगा, ग्रिप वाइज इसकी थोड़ी सॉफ्ट थी लेकिन बॉडी बिल्ट जो है वो इस वाले की थी।
बाकी जो कैप्स हैं उसमें निकॉन डेफिनेटली थोड़ा जो डस्ट कैप्स हैं वो बेटर था। एज टू एज और ब्राइटनेस में निकॉन अच्छा था, लेकिन एज टू एज में दूसरे बैनोकुलर्स मुझे निकॉन की टक्कर के लगे। इनफैक्ट कॉमेट मुझे निकॉन से हल्का सा बेटर लगा एज टू एज में, हालांकि ब्राइट इमेज निकॉन की थी। हैवी है निकॉन थोड़ा सा, बजट में भी पॉकेट पे भी हैवी है, और चीज़ों में दूसरे बैनोकुलर्स निकॉन से थोड़ा सा आगे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस एज ए पैकेज बात करूँ, वैल्यू फॉर मनी में अगर मुझे जाना है, अगर इस वीडियो को क्लोज करें यहीं, वैल्यू फॉर मनी में मुझे जाना है तो बहुत ही कड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। शायद मैं नंबर वन इसको इम्पोर्टेंट वाले को दूंगा, लेकिन प्योर परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो कॉमेट मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में मेरे ख्याल से नंबर वन होना चाहिए। इन तीनों के क्लोज सारे फीचर्स इंक्लूडिंग प्राइस कंसिडर करने के बाद, बॉडी नियर फोकस, फोकसिंग स्मूथ किसका है, बैक फोर प्रिज्म, एग्जिट प्यूपल, आई रिलीफ, सारी चीज़ों को बात करूं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में मैं कॉमेट को निकॉन से ज़्यादा रेट करूंगा। 4000 रुपीज़ का है। एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आपको ब्रांड ही लेना है तो डेफिनेटली निकॉन आप ले सकते हैं ब्लाइंडली। वैल्यू फॉर मनी में नंबर वन इम्पोर्टेड है 3200 रुपये का। ओवरऑल परफॉर्मेंस एज ए पैकेज बात करूं तो ये, और ब्रांड में डेफिनेटली निकॉन तो है ही, तो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। तीनों बायनोकुलर्स अगर आपको कोई भी पसंद आता है, मुझे व्हाट्सएप पे 9899212222 9560687095 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम सभी जगह डिलीवर कर रहे हैं, आप मुझे पिन कोड दे के पूछ सकते हैं कोई और आइटम, आप कोई और वीडियो अगर आपने देखा हो। बहुत पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें कुछ क्लियरेंस स्टॉक था, उसकी प्राइसेस कम थी, अब सेम प्राइसेस पे वो चीज़ें नहीं अवेलेबल, तो आप मेरे से प्राइस प्लीज़ चेक कीजिए। शिपिंग बहुत रीज़नेबल है, लेकिन आप मेरे से प्राइस चेक कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है या आपने कुछ आइटम लेनी है या परफॉर्मेंस पूछनी है, मुझे शौक से यूट्यूब में या व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव, बाय।